समाजवादी पार्टी के बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का इटावा चौगुर्जी स्थित अपने आवास पर पहुंचे और आवास पर पहुंचने पर प्रशंसकों के उनका जोरदार स्वागत उन्होंने किया और इस दौरान शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन केवल 2024 में सत्ता में आने का है, जिसके लिए है हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और यह मेहनत की भी रंग लाइकी। और इसके साथ ही उन्होंने बजट पर सवाल उठाए, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। हम संगठन के आदमी रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 में सत्ता में आना। तो जिस तरह से लगातार बजट का सरकार कह रही है और कह रही है कि बड़ा फायदा होगा, आपको क्या लगता है ये जो बजट पेश हुआ इससे क्या मिलने वाला है? देखिए, किसानों से नौजवानों से लेकर के महिलाओं से लेकर के किसी और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है, केवल छलावा है।